हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में मज़ा कर रहे होंगे। इस समय आज हम फिजिक्स क्लास टेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास टेंथ में जो फिजिक्स है ना, उसके बारे में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स को पता है कि क्लास टेंथ में जो फिजिक्स है उसका जो पहला अध्याय है, उसका जो यूनिट वन है, वो लाइट से रिलेटेड है, प्रकाश का अध्याय है वो एक। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि आज शुरुआत है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम केवल दो चीज़ें पढ़ेंगे आज। पहली चीज़ ये पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है, दूसरा ये पढ़ेंगे कि लाइट में आखिरकार कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइट किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अध्याय वन मैंने यहां लिखा हुआ है, और अध्याय वन में बेटा हमको क्या पढ़ना है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, जहां से लाइट पड़े और परावर्तित होकर लौट जाए वापस, ऐसी हर सरफेस को हम परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। यहां पर जिस परावर्तक पृष्ठ के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिए उसका शेप कैसा है, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ यानी कि प्लेन सरफेस, ऐसा घूमी हुई, ऐसा अंदर दबी हुई सरफेस नहीं होगी, प्लेन सरफेस होगी बिल्कुल, और वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस। रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन ऑफ लाइट, प्रकाश का, थ्रू प्लेन सरफेसेस, समतल पृष्ठों के द्वारा। ओके, आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ते चलिए। एक मिनट लेके आपको एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप हिंदी के साथ साथ ना हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो आपके, खासकर ये जो दो तीन सब्जेक्ट आपके होते हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स वगैरह का सब्जेक्ट है, इसमें जरूर आप हिंदी पढ़ें बेशक, पर मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश के आर्टिकल भी जानें कि उस आर्टिकल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप हिंदी में पढ़ेंगे और क्लास टेंथ पार कर लेंगे, क्लास 11th 12th भी पास कर लेंगे आप, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सारे आर्टिकल्स का इंग्लिश वर्जन भी आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो आज समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का अध्याय है, अध्याय वन हमारा, और उस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आज की हम इस क्लास में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो मैं दो ही चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक तो प्रकाश क्या होता है इसको देखेंगे, और दूसरा दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं। वैसे तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, प्रकाश में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट एक इतनी बड़ी चीज़ है ना, उसको हम लोग पूरी तरीके से स्टडी करेंगे, देन इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम इसीलिए उसकी कुछ मेन मेन प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि लाइट क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं, लाइट एक प्रकार का जो प्रकाश होता है ना बेटा, प्रकाश जैसे हमारी हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वैसे ही लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं सच में, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड एनर्जी है। अब आप सब बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, तो बेटा मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, पूरी डिटेल हम क्लास 12th में कराएंगे, पर अभी आप इतना समझ लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें आप विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, लाइट एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, देखिए, लाइट, लाइट मतलब हुआ प्रकाश, ठीक है ना।
अच्छा, लाइट किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आंसर है कि लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगों, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों? ओके, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन्हीं को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव्स, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, फिर से आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, तो मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी तरंगे हैं, ये एक ऐसी वेव्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? विद्युत क्षेत्र, और उसके साथ बहुआ कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी चीजों की डिटेल आपके क्लास 11th और 12th में आपको बेशक मिलेगी। फिलहाल इसके बारे में तो क्लास 12th में पूरा डिटेल में है, अभी बस आप इतना जान लें कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो जब कभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है ना, तो उनके साथ विद्युत क्षेत्र भी चलता है और चुंबकीय क्षेत्र भी चलता है। कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, पर ये दोनों प्रकार के फील्ड उसमें प्रोपेगेट होते हैं, उसमें संचरित होते हैं। अब इन दोनों प्रकार के जो फील्ड है ना, इनके पास एनर्जी होती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। आप तो जानते हैं ऊर्जा के बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। दो चीजों की, फिजिक्स की दो चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत हमारी पूरी दुनिया को है, नंबर वन फोर्स एंड नंबर टू एनर्जी। फोर्स और एनर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के पास ही क्या होती है, इन दोनों के पास ही अपनी अपनी एनर्जी होती है, मतलब अपनी अपनी ऊर्जा होती है, ठीक। तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, अगर ये सब को छोड़ दें तो सीधे हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। ओके, तो प्रकाश ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों माध्यम में एक साथ संचरित होते हैं। ये इनके, इनमें क्या होती है, इनमें ऊर्जा भी होती है। ये ऊर्जा जब हमारी चलते 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 कहीं से भी चल के आए, सूर्य से चल के आए तो भी, आपके घर में जो बल्ब लगे हैं वहां से चल के आए तो भी, ट्यूबलाइट से चल के आती है तो भी, किसी गाड़ी के हेडलाइट से चल के आती है तो भी, जब ये लाइट आके हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंख की जो रेटिना होती है ना, वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, उसको एनर्जी मिलती है, और जहां से वो लाइट आ रही होती है वो चीजें हमको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इसकी, अगर वैसे तो डेफिनेशन में अगर ये सारी चीजें आप लिखेंगे बच्चों तो एक डेफिनेशन बड़ी बन जाएगी, पर मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को बड़ी छोटी और इजी डेफिनेशन बता दूं लाइट की। तो मैं क्या कह सकता हूं मेरे बच्चों, मैं ये बोल सकता हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब ये हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखों को एनर्जी मिलती है, और उस ऊर्जा के कारण हमारी आंखों को आसपास की वस्तुएं दिखने लगती हैं, बस सिंपल सा। वैसे एक चीज मैं और बताऊं, विद्युत चुंबकीय तरंगे इनका रेंज बहुत बड़ा है प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा रेंज है। उसमें से एक छोटा सा रेंज, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे खत्म, एक एग्जांपल के तौर पे, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स, ठीक है। उन 7 पार्ट्स में एक पार्ट ऐसा है गामा एक्स यू वी आई एम आर। अब आप सब बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या है, गामा रेडिएशन, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण, वही विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन,
माइक्रोवेव्स रेडियोवेव्स। मैं फिर से आपको कहूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो अभी इसको लेकर के, मैं पूरी डिटेल करूंगा बाद में। तो इस पूरे रेंज में, इतना बड़ा रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इस पूरे रेंज में लाइट हम जिसको कहते हैं, पूरे को लाइट नहीं बोलते हम, लाइट सिर्फ इतने पार्ट को बच्चे बोलते हैं, इतना सा पार्ट जो ये विजिबल वाला पार्ट होता है ना, विजिबल रेडिएशन, दृश्य भाग, केवल इसी का नाम हमने क्या रखा है, लाइट, इसी का नाम हमने प्रकाश रखा है। अगर हम इसकी तरंग दैर्ध्य देखने जाएंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य मुझे मिलेगी, इसकी तरंग दैर्ध्य मुझे मिलेगी 4000 से 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक मुझे इसकी वेवलेंथ मिलेगी। ठीक, इसके नीचे की वेवलेंथ, इसके ऊपर की वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं हैं, वो हमारी आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, इसलिए चीज़ों को हम उनकी उपस्थिति में देख नहीं पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का केवल ये वाला हिस्सा आता है, आता सब पूरा हिस्सा है, सन से जो लाइट आती है उसमें बच्चों ये पूरे पार्ट आते हैं। अब पूरे पार्ट्स आते हैं, गामा आता है, एक्स आता है, यू आई एम आर, पर ये हमारी आंखों को सेंस नहीं करते। आंखों को सेंस करने वाली केवल एक पार्ट है और ये विजिबल रेडिएशन वाला पार्ट है, और इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, लाइट नाम दे दिया। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, पर जैसे कि मैंने बोला, इंटर क्लास में, क्लास ट्वेल्थ में पूरी डिटेल हम इसकी बताएंगे आपको। तो फिलहाल लाइट के बारे में क्या हम लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित वो ऊर्जा होती है, ये जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें इससे संवेदित हो जाती हैं और वस्तुएं, हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुएं हमको दिखने लगती हैं। ठीक है, या जहां से भी वो लाइट आई होती है वो वस्तु हमको दिखना शुरू हो जाती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले लाइट को डिफाइन करेंगे, लाइट की परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, चलो देखो हम लिख देते हैं प्रकाश। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं इसका, देखिए ध्यान से सुनिएगा और आप देखते भी जाइए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से सम बंधित एक ऐसी ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित एक ऐसी ऊर्जा है जो हम सब की आंखों को, हम सबकी आंखों को, देखिए मैं फिर से बता दूं बेटा, लाइट जब आती है सन से हो बल्ब से हो, आपको क्या लगता है सिर्फ आंखों पे ही पड़ती है? नहीं बच्चों, लाइट तो हमारी नाक पे भी पड़ती है, हमारे मुंह पे भी पड़ती है, हमारे सर में भी पड़ती है, पूरी बॉडी में लाइट पड़ती है। लेकिन लाइट के लिए हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनमें से केवल आईज एक ऐसा पार्ट है जो लाइट को सेंस कर पाती है। अभी आप सोचिए, अगर आपकी आंखों पर एक ब्लैक कलर की पट्टी बांध दी जाए, फिर कितनी भी लाइट जला दी जाए कमरे पे, आप जान नहीं सकते। तो ईश्वर ने, नेचर ने हमारी बॉडी में एक ऐसा सेंसर लगा के रखा है। सेंसर समझते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन में आपके सेंसर होता है, मोबाइल फोन को आप ऐसा पकड़ते हैं, आप किसी को कॉल करते हैं, आपको मैं बताता हूं, आप किसी को कॉल करते हैं और जैसे ही कान में लगाते हैं लाइट बंद हो जाती है उसकी, जैसे ही वहां से हटाते हैं लाइट फिर जल जाती है, फिर लगाते हैं लाइट फिर बंद हो जाती है, फिर बाहर निकालते हैं लाइट जल जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस मोबाइल फोन के ऊपरी हिस्से पर एक सेंसर लगा है, वो जब हमारी स्किन के पास आएगा वो स्किन को सेंस करता है और लाइट बंद कर देता है। दूर जाता है तो फिर उसको सेंस होता है कि अब उसके पास कोई स्किन नहीं है, वो लाइट जला देता है। ऐसे ही नेचर ने हमारी पूरी बॉडी में आईज एक ऐसा सेंसर फिट कर दिया है जो लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट को पहचान जाती है।
बाकी अगर आपकी आंख में ब्लैक पट्टी बांधी जाए, मेरी आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधी जाए और इसके बाद खूब सारी लाइटें लाइटें जला दी जाए चारों तरफ, हम नहीं पहचान पाएंगे कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो एक ऐसी ऊर्जा है जो हम सबकी आंखों को संवेदित करती है, संवेदित करती है तथा इसकी उपस्थिति में, संवेदित करती है तथा इसकी उपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं, आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं। तो ये है बेटा लाइट के बारे में डेफिनेशन। आप चाहे तो और छोटी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि सारी जानकारियों सहित आपको डेफिनेशन बताई जाए, एक इतनी बढ़िया डेफिनेशन आपको बताई जाए कि अगर आप लिख दें उस डेफिनेशन को तो आपका आधा मार्क्स भी कोई काट ना सके। इसलिए मैंने उसमें कुछ शब्दों को एडिशनली मैंने लगा दिया है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित एक ऐसी ऊर्जा है जो हम सबकी आंखों को संवेदित करती है। ऐसा नहीं कि केवल हमारी आंखों को वो सेंस करती है, आपकी आंखों में भी सेंसिटिविटी देती है जा करके करती है तथा इसकी उपस्थिति में हम अपने आसपास की इसकी उपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं वस्तुएं, इसे मैं इरेज कर देता हूं यहां पर थोड़ा सा। यहां से ले लीजिएगा आप, फिर से आंखों को संवेदित करती है तथा इसकी उपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप समझ रहे होंगे कि इसकी उपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम वस्तुएं नहीं देख सकते। मायने नहीं रखता आपकी आंखें कितनी बड़ी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइट नहीं होगी तो हम चीजों को नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी भी हो जाए ना, बट विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग अराउंड अस। अपने चारों तरफ हम कुछ नहीं देख सकते जब तक लाइट नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि लाइट अगर आई है चीजें हमको दिखने लगेंगी। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, लाइट किसी बल्ब से निकले और बल्ब से निकल के सीधे हमारी आंख पर आ जाए तो हम बल्ब देख सकते हैं और चीजें नहीं देख पाएंगे। तो चीजें कैसे हमको दिखती है मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले तो आप जब बल्ब जलाते हैं कमरे में, ठीक है, तो कुछ लाइट तो डायरेक्टली बल्ब से आपकी आंख पर आ जाती है और बाकी लाइट क्या होती है, बाकी लाइट कमरे के और पार्ट में भी पड़ती है, वॉल पर पड़ती है, आपके घर में रखी कबर्ड पे पड़ती है, जितनी भी चीजें हैं उन सब पर लाइट पड़ी। अब क्या हुआ, तो कुछ लाइट तो डायरेक्ट हमारी आंख पर आ गई जिसकी वजह से हम बल्ब देख पा रहे हैं, कुछ लाइट का क्या हुआ, लाइट आपके तखत में पड़ी जाके, आपके बेड में पड़ी, कबर्ड में पड़ी, तो जब कबर्ड में पड़ी, कबर्ड से पड़ के वो परावर्तित होके हमारी आंख पर आई तो हमें कबर्ड दिखना शुरू हो गई। तो लाइट जहां से आती है वो चीज हमको दिखती है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये सारी चीजें यहां पर दिख रही, क्यों, क्योंकि बल्ब जो भी जल रहा है पहले वो लाइट उन वस्तुओं पर पड़ता है, वस्तुओं से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर आता है, इसलिए हम वस्तुएं देख पाते हैं। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि लाइट अगर डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट्स पर नहीं पड़ेगी, तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या लाइट बल्ब से निकले और सीधे हमारी आंखों पर प्रवेश कर जाए, कमरे में और किसी वस्तु पर लाइट ना पड़े तो चीजें हमें नहीं दिखेंगी। तो सबसे पहले आसपास की वस्तुएं देखने के लिए क्या जरूरी है, लाइट जहां से भी चले पहले उन वस्तुओं पर पड़े और वस्तुओं से चल करके हमारी आंख पर पहुंचे, फिर वो वस्तु हमें दिख जाएगी। और जिस वस्तु से चलकर लाइट हमारी आंख पर नहीं आती वो चीज आपको नहीं दिखती। कमरे में आप बैठे होते हैं, कमरे की सारी चीजें आपको दिखती हैं, क्यों, क्योंकि उन हर चीज से लाइट आपकी आंख पर पहुंच रही होती है।
और बाहर अगर बल्ब नहीं जल रहा है, बाहर अगर अंधेरा है तो बाहर आपको अंधेरा दिखता है, डार्क दिखता है, वहां की कोई चीज आपको नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है और वहां से लाइट चलकर आपके आंख पर नहीं आ रही है। तो जो वस्तु आप देखना चाहते हैं आप देखते होंगे। टॉर्च अगर आप देखें, टॉर्च जब आप जला के किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप टॉर्च को जलाकर आंख में तो नहीं लगाते ना, टॉर्च जलाकर ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, वस्तुओं पर। तो जिस वस्तु को देखना होता है टॉर्च की लाइट उस पर लगानी पड़ती है हमको, फिर उस वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर आती है, तब वो वस्तु हमको दिखती है। तो जो वस्तु हमको देखनी है लाइट उस पर पड़ना बहुत जरूरी होता है। ओके, नाउ आई होप कि ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी आपको। रही बात इस पोर्शन की, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये पोर्शन क्लास 12th में फिर से फिजिक्स में आपको मिलेगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा वहां पर। ओके, डोंट वरी। तो लाइट के बारे में हमने जाना कि क्या होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ये देखिए, मैंने पहले से ही लाइट की प्रॉपर्टीज लिख रखी है जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों का समय बर्बाद ना हो। तो आप देखिए यहां पर मैंने 6 प्रॉपर्टीज लिखी है। जैसे कि मैंने बोला था प्यारे बच्चों कि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे घंटों बीत सकते हैं केवल उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने में। आया समझ में आपको? इसलिए मैं यहां पर कुछ मेन मेन और ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको लिखने से क्लास 10th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बस वही प्रॉपर्टीज मैंने यहां रखी है, चुन चुन के प्रॉपर्टीज रखी मेरे भाई। तो आप देखो, देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुणों को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के गुण। अब देखिए बच्चों, पहला गुण मैंने क्या लिखा है, पहली प्रॉपर्टी लिखी है लाइट स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं अदृश्य होता है मतलब लाइट हमको खुद नहीं दिखती, खुद अदृश्य होती है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा आप खुद बताइए, दिन में जब सूर्य से लाइट आ रही होती है तो सूर्य से ये ऐसे लाइट आ रही है आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती। आप वो जब लाइट वस्तुओं पर पड़ती है, जमीन पर पड़ती है, चीजों पर पड़ती है, वो चीजें आपको दिखती हैं, उसको देखकर आप कहते हो कि सनराइज हो गया है। पर सन से जो रेज आती हैं, सन से जो लाइट आती है, वो लाइट आपने कभी नहीं देखी होगी कि अगर यहां पर सन और यहां से लाइट आ रही है तो ये रेज हमको दिख जाए। मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे ये यहां पर सन है, अब इससे ऐसे लाइट रेज आ रही है और यहां पर आपकी एक टेबल लगी हुई है ऐसे, तो लाइट जब टेबल पर पड़ेगी तो आपको टेबल दिखने लगेगी। लेकिन क्या गौर किया है कि ये लाइट के जो रेज आते हैं ये कभी आप देख पाते हैं? आंसर इज नो, यू कैन नेवर सी द लाइट रेज। आप इनको नहीं देख सकते, आप इनकी उपस्थिति में कोई वस्तु देख सकते हैं तो लाइट नहीं दिखती। देखो कितनी अच्छी है, लाइट खुद नहीं दिखती पर चीजों को देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो यही हमने पहली प्रॉपर्टी इसमें लिखी है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं लाइट हमको दिखाई नहीं देती है, पर कसम से जिसके ऊपर पड़ जाती है ना बच्चों, वो दिख जाता है मेरे को। ठीक है, आई होप कि ये पहली प्रॉपर्टी मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पर आप आ जाते हैं, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ओ हो, सिंपली जो लाइट होती ना, लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास, क्या प्रूफ है कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है? टेढ़ा नहीं चलता। मैं बताता हूं, सभी मेरे बच्चे समझेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहां पर ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, देखिए कितने खुश हैं बेचारे ये, वाओ। और इन्होंने यहां पर ना एक ऐसा छाता लगा के रखा हुआ है, अम्ब्रेला। ये उसकी यहां पर छड़ ऐसे इन्होंने बच्चों ने पकड़ के रखी है अपने हाथ में। ये मैंने बच्चे का केवल सर बनाया है बस। अब यहां कहीं सन निकला हुआ है बहुत दूर, ठीक है, और प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब होता है प्यारे बच्चों सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट को टेढ़ा चलना नहीं आता, लाइट जब चलता है सीधा चलेगा। हाँ, हम अपनी कोई टेक्निक यूज करके उसको टेढ़ा कर दें वो अलग बात है, पर लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसका प्रमाण, यहां पर सन निकला, यहां से ऐसे धूप आती है, ऐसे धूप आती है,
ऐसे धूप आती है यूं इस तरीके से, और मेरे प्यारे बच्चों ने ऐसा अम्ब्रेला लगा लिया एक। अब थोड़ा सा सोचिए कि लाइट को अगर टेढ़ा चलना आता होता तो क्या होता। अगर लाइट को टेढ़ा चलना आता ना, तो देखो जो लाइट यहां से आई उसने देखा कि उसके रास्ते पर अवरोध आ गया, उसने देखा कि उसके रास्ते पर अवरोध आ गया, तो अगर उसको टेढ़ा चलना आता होता तो अवरोध को ऐसे दरकिनार करके ये मेरे बच्चे तक पहुंच जाती, यहां तक आ जाती और इस आदमी को लग जाती धूप। ये लाइट रे यहां तक आई, उसने देखा कि अम्ब्रेला का अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, तो अगर इसको टेढ़ा चलना आता। आप जब कहीं जा रहे होते हो और रास्ते में सामने आपके रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, अवरोध आ जाता है, आप क्या करते हो? बगल से निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको टेढ़ा चलना आता है। आप लाइट तो नहीं है कि आपको सीधा चलना आएगा टेढ़ा नहीं आएगा। तो लाइट को भी अगर टेढ़ा चलना आता, वो देखा कि अवरोध आ गया तो ये साइड से होकर ऐसे लग जाती। अगर उसको टेढ़ा चलना आता तो इधर से आती और आपको लग जाती, इधर से आती और आपको लग जाती। मतलब अगर लाइट को टेढ़ा चलना आता होता ना, तो छाता लगाने के बाद भी आप धूप से नहीं बच पाते। छाता लगाने के बाद भी आप धूप से नहीं बच पाते, तो छाता लगाकर आप धूप से बच जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन पे गमन करती है। ठीक है, एक और मैं बताऊं, जब आप धूप में निकलते हैं या बल्ब के सामने होते हैं तो बल्ब की दूसरी साइड में आपकी शैडो बनती है, आपकी परछाई बनती है। आपकी परछाई का बनना भी इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस बात के प्रमाण क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, इस बात का प्रमाण क्या है। देखिए, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के प्रमाण। ठीक, क्या क्या बताया मैंने बच्चों आपको? पहला प्रमाण आपको मैंने ये बताया कि छाता लगाकर धूप से बचना, छाता लगाकर धूप से बचना, ये इस बात को बताता है कि लाइट को टेढ़ा चलना नहीं आता, वो केवल सीधी चलती है लाइट। दूसरा, परछाई का बनना, किसी भी चीज की परछाई अगर बन रही है तो वो भी इस बात का प्रूफ है कि लाइट को टेढ़ा चलना नहीं आता, लाइट सीधी रेखा में चलती है। आई होप कि अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो लाइट को टेढ़ा चलना नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। छाता लगाते हैं आप धूप से बचते हैं, इसलिए लाइट सीधी रेखा में चलती है, हम ये कह सकते हैं। तो बच्चों चले अगली प्रॉपर्टी बेटा क्या है, देखो। सेकंड प्रॉपर्टी कर लिया हमने, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रकाश के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लाइट जब चलती है, जैसे किसी को चलने के लिए कुछ मीडियम चाहिए ना, जैसे आप चलते हैं तो आपको रोड चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, है ना। एरोप्लेन चलता है तो कम से कम एयर चाहिए उसको। ऐसे ही जो लाइट होती है, इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। रास्ते में एयर है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ते में कुछ है कि नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं है फिर भी लाइट चली जाती है। सूर्य से और हमारी पृथ्वी के बीच में एक जगह ऐसी है जहां पर कुछ भी नहीं है, वायु तक नहीं है, हम उस स्थान को निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में। पर रोज सुबह सन से आप तक लाइट पहुंच जाती है। तो सूर्य से और हमारी पृथ्वी के बीच में एक जगह ऐसी है जहां पर क्या है बेटा, निर्वात है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है वहां पर, फिर भी तो हम देखते हैं कि रोज सुबह लाइट आ जाती है। इसका मतलब लाइट उस क्षेत्र को पार करके आ जाती है। अगर उसको पार करके आ जाती है तो वहां तो कुछ भी नहीं है फिर भी लाइट आ रही है। इसका मतलब है लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम है तो भी लाइट संचरित हो जाएगी, माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश संचरित हो जाएगा। और इसीलिए बताया गया कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि जो लाइट होती है वो वहां पर भी चल सकती है जहां पर एयर का एक पार्टिकल नहीं है, वहां पर भी लाइट चल सकती है। एंड आई होप कि थर्ड प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को समझ में आ गई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों लेते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। लीजिए, ये वही बात हो गई ना बच्चों, मैंने यहां पर आपको बताया था
कि जो लाइट होती है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिनके पास ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा का जिक्र हम यहाँ कर देते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी आपको बताई गई बच्चों कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अब मुझे तो नहीं लगता इस प्रॉपर्टी को मुझे ज्यादा च्युइंगम की तरह बढ़ाना चाहिए क्योंकि आप सब समझ गए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फाइव प्रॉपर्टी पे आ जाइए। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड से चलती है। अब देखो, सबसे पहले विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब जब लाइट निर्वात में चलती है तो उसकी स्पीड अलग होती है। निर्वात से चलते चलते अचानक एयर में आ गई, चाल बदल जाएगी उसकी, माध्यम बदल गया ना, स्पीड बदल जाएगी। एयर से चलते चलते वाटर में एंटर कर गई, पानी में चली गई, जल में प्रवेश कर गई, चाल फिर बदल जाएगी। क्यों? मीडियम बदल गया और माध्यम अलग अलग होने से प्रकाश की चाल तो बदल जानी है। पानी से चलते चलते कांच में प्रवेश कर गई, कांच में भी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, उसमें भी चल लेती है लाइट। लाइट को कांच में भी चलना आता है, देखो, है ना। तो लाइट में जब जाती है तो फिर उसकी चाल बदल जाएगी। तो अलग अलग माध्यम रखोगे, निर्वात में, वायु में, जल में, कांच में, जहां जहां भी लाइट ट्रांसमिट हो सकती है, संचरित हो सकती है, वहां सब जगह उसकी चाल अलग अलग रहती है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। जैसे निर्वात में आप देखेंगे तो चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड बताई गई। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देता हूं। 3×10^8 का मतलब समझते हैं बच्चों? 3 के बाद 8 जीरो लगाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने मीटर लाइट जाएगी एक सेकेंड में, चली जाएगी इतने मीटर। अब इसको थोड़ा पढ़ के देखिए, अपनी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, अपनी जो आपकी इंडियन नंबर सिस्टम है ना, भारतीय अंकन पद्धति, उसके हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब है एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूर निकल जाती है लाइट। पलक झपकते एक सेकंड गुजर जाते हैं और उतनी देर में लाइट 30 करोड़ मीटर चली जाती है। किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो हम इसके 3 जीरो लेके जा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो बचेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5, इतने किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, एक सेकेंड में अब आपको किलोमीटर से ज्यादा आंकड़ा बढ़िया मिलेगा। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। आप खुद समझिए कि एक किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस को बोलते हैं, और ऐसे 3 लाख डिस्टेंसेस लाइट ट्रेवल कर लेती है केवल एक सेकेंड में, जितनी देर में आप पलक झपकाते हो। ठीक है ना, ओके। तो विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न। और निर्वात में तो प्रकाश की चाल ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चलना, इतनी तेज होता है इसका, बहुत तेज चलती है। ओके, नाउ आई होप कि ये वाला पॉइंट भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये प्यारे बच्चों सबसे शुरू में हमने बताया, मैं एक बार और आपको दिखाता हूं। आप देखिए, यहां पर जब मैं ये सारी डिटेल आपको बता रहा था उस समय मैंने बताई कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, मिनिमम 4000 एंगस्ट्रॉम, मैक्सिमम 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो रेंज होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये एक अच्छी डिजिट है, आप सभी बच्चों को इसको याद करना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ रहे? तो ये हो गई लाइट की प्रॉपर्टी। और मैंने क्या बताया, इस रेंज को आप याद कर लीजिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, क्वेश्चन में आता है, पक्का याद कर लीजिए, ये इस बार के एग्जामिनेशन में भी आ सकता है आपके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज सबसे पहले हमने पढ़ा, हमारी लाइट का पहला अध्याय हमने शुरू किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, जिनमें पहले देखा लाइट होती क्या है, उसमें हमने ये सारी चीजें बना ली हैं आपको।
इसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे कि मैंने बताया देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइट, बट यहाँ पर हम केवल और केवल कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं जो कि क्लास टेंथ के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्रॉपर्टीज अधिकतर एग्जाम में आती हैं। उनको मैंने समझा भी दिया है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेरे चैनल से पढ़ने में, कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ कम समझ में आती है, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लाइट में इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बता दूँ मैं नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे? एक तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा आप जानते हैं परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम। ये दो चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।